नील गाय एक शक्तिशाली प्राणी है जो भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है। चलिए जानते हैं इस प्राणी के बारे में कुछ खास बातें। मादा नील गाय का रंग घूसर, मटमैला या भूरा होता है, जबकि नर का रंग नील पन के लिए होता है। नर के गले में सफेद बड़ा धब्बा होता है, जबकि मादा पर यह निशान नहीं होता है। नील गाय किस प्रजाति की है इसको लेकर एक मत नहीं दिखाई देता है। हालांकि 1992 में हुई फाइलो जेकेटिक स्टडी के अनुसार डीएनए की जांच से यह पता चला है कि बोसला फिनी यानी कि बकरी, भेड़ प्रजाति बोविनी गौवंश और ट्रेजला फिनी हिरण प्रजाति के जानवरों से मिलकर नीलगाय बनी है। ईसा के 1000 साल पहले लिखे गए एतरेय ब्राह्मण में नीलगाय का जिक्र मिलता है। उस वक्त इसकी पूजा भी की जाती थी। नव पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी मानव नील गाय के संपर्क में थे। मुगल काल के दौरान इसके शिकार का भी जिक्र मिलता है। मुगल बादशाह जहांगीर की आत्मकथा में जिक्र मिलता है कि वे इसके शिकार पर काफी क्रोधित हो गए थे। भारत के अलावा यह नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाई जाती है। 2001 में हुई गणना के मुताबिक भारत में इनकी संख्या करीबन 10 लाख थी। यह बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकती है और खराब से खराब सतह पर बिना थके लंबी दूरी तक दौड़ सकती है। यह कम आवाज करती है लेकिन लड़ाई के वक्त बेहद तेज आवाजें निकालती है। यह 200 किलो के लगभग भारी होती है और कई बार तो बाघ भी इसका शिकार नहीं कर पाते। यह इतनी अधिक ताकतवर होती है कि इसकी टक्कर से छोटी गाड़ी भी पलट जाती है। ये घने जंगल में जाने से परहेज करती है और घास, कटीली झाड़ियों, छोटे पेड़ों वाले इलाकों में रहना ज्यादा पसंद करती है। धीरे धीरे इन्होंने खाने के लिए खेतों की ओर जाना शुरू कर दिया है, तभी से मानव के साथ इनका संघर्ष शुरू हुआ है। नील गाय नाम नील और गाय से मिलकर बना है। नील उर्दू शब्द है जबकि गाय हिंदी शब्द है। मुगल बादशाह औरंगजेब के समय में इसे नील घोर यानी कि नीला घोड़ा भी कहते थे। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये आज की वीडियो? दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।